शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी के पास एक फैक्ट्री में लगी आग के बाद निकाले गए 64 लोगों में से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई है। LNJP अस्पताल में 53 लोगों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 34 लोगों की मौत हो गई है, और लेडी हार्डिंग कॉलेज में 10 लोगों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 9 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। कारखाने में आज सुबह आग लगी और उस समय कई मजदूर सो रहे थे। LNJP अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर किशोर सिंह ने बताया कि उनके अस्पताल में 34 लोगों की मौत हुई है और बाकी के लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है और कुछ की हालत अभी भी स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग भर्ती है उनके फेफड़ों में धुआं गया होगा, तो अभी उनकी हालत भी खराब हो सकती है। जिस समय यह घटना हुई उस समय एक कैमरा में 20-20 लोग सो रहे थे। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और 64 लोगों को बाहर निकाला गया। कई अन्य अस्पतालों में भी लोगों को भर्ती किया गया है। बहुत दुखदायी घटना है ये, और मतलब के मैं क्या इसमें क्या जवाब दूं। मैं जो भी इसके कारण रहे होंगे उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें सजा भी मिलेगी। पुरानी दिल्ली है बेसिकली, तो यहाँ तो बहुत कंजस्टेड एरिया है। ये पुरानी दिल्ली है, पुराना इलाका है, और यहाँ जो भी काम हो रहा है तो ये तो MCT को पता होगा, अगर MCT से लाइसेंस उन लोगों ने लिए हुए नहीं लिए हुए या जिस विभाग से भी, और इसकी पूरी जाँच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। We'll be right back.